चंद्रपुर सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल की प्रसूति वार्ड में मरीजों ने पीने के पानी की कमी और बाथरूम में पानी की किल्लत को लेकर हंगामा किया है। मरीजों का आरोप है कि बाथरूम और शौचालयों में पानी की कमी के कारण प्रसव पीड़ा से जूझ रहे मरीजों को सार्वजनिक सुलभ शौचालय में 5 रुपए देकर कतार में लगना पड़ रहा है और सार्वजनिक शौचालय का पैसा देकर इस्तेमाल करना पड़ा। सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल शुरू होने के बाद से सुविधाओं, दवाओं और अन्य विसंगतियों की कमी के लिए सुर्खियों में रहा है। सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल में लापरवाही का आलम यह है कि अस्पताल में पानी की कमी के कारण 4 दिन से मोतियाबिंद के मरीजों की सर्जरी ठप पड़ी है। स्थानीय विधायक किशोर जोरगेवार को असमानता के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने पिछले सप्ताह राज्य विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विधानसभा में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल का मामला उजागर होने के 1 हफ्ते के भीतर ही प्रसूति वार्ड में भी ऐसी ही लापरवाही सामने आई। प्रसूति वार्ड के मरीजों ने दावा किया कि 2 दिनों से बाथरूम और शौचालय में पानी नहीं था और शौच के लिए उन्हें वार्ड के बाहर एक सार्वजनिक शौचालय में जाना पड़ा। वार्ड में पेयजल की कोई सुविधा नहीं है, रोगियों को बाहर जाकर पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है। इसी तरह शौचालय बहुत गंदे हैं और पानी की किल्लत है। ऐसी जानकारी एक महिला मरीज ने नागपुर मेट्रो समाचार से जानकारी देते हुए कही। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय का एवं अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती एक महिला के पिता ने दावा किया कि उनकी बेटी को गुरुवार रात तेज प्रसव पीड़ा के बाद डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। वह देर रात शौचालय गई लेकिन वहां पानी की कमी के कारण उसे काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा और शौच बिना उसे वापस लौटना पड़ा। प्रसव पीड़ा में भी उसे सुबह तक पानी की किल्लत की वजह से सुबह वार्ड के बाहर सार्वजनिक शौचालय खुलने के बाद ही तकलीफ से छुटकारा मिला। सार्वजनिक सुलभ शौचालय सुबह सिर्फ 5 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुला रहता है और गरीब मरीजों को हर बार 5 रुपए का खर्च करना पड़ता है। सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निवृत्ति जिवने ने प्रसूति वार्ड में पानी की समस्या के बारे में अनभिज्ञता जताते हुए मामले को देखेंगे और मामले को सुलझाने को प्राथमिकता देंगे, मगर कोई ठोस आश्वासन नहीं दे पाए। वार्ड इंचार्ज डॉक्टर अलका पाटनकर को जब नागपुर मेट्रो समाचार ने पानी की किल्लत के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए तो उन्होंने भी जानकारी लेते हुए ऐसा जवाब दिया। पूर्व नगर सेवक पप्पू उर्फ प्रदीप देशमुख ने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के लिए उसकी भत्सरना की और जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने यहां अस्पताल में सभी खामियों और अनियमितताओं की जांच के लिए एक समिति गठित करने की भी मांग की। चंद्रपुर सामान्य रुग्णालय जेव्हापासून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ला देण्यात आलेला आहे तेव्हापासून या रुग्णालयाची दुर्दशा झाली अशी लोकांची भावना आहे। पूर्ण जिल्ह्यातील आणि आसपासच्या जिल्ह्यातील रुग्णांची, रुग्णांच्या नातेवाईकांची अशी भावना तयार झाली आहे आणि त्याला जी कारणं आहे त्याला सबळ कारणं आहे। जसं आत्ता आजच्या घडीला चंद्रपूरच्या रुग्णालयामध्ये शौचालयामध्ये जाण्यासाठी, पिण्यासाठी, हात धुण्यासाठी, हातपाय धुण्यासाठी पाणी नाही आहे अशी दुरावस्था आहे। बाजूला असलेल्या सुलभ शौचालयामध्ये जिथं पैसे देऊन वापर करावा लागतो तिथे पाणी आहे पण रुग्णालयामध्ये पाणी नाही आहे। 15 दिवसापूर्वी याच रुग्णालयामध्ये 3 दिवस पाणी नसल्यामुळे एक छोटासा पाईप तुटला होता, एका ठिकाणी लिकेज होता, तो दुरुस्त केला नाही, 3 दिवस पाणी नव्हतं म्हणून शस्त्रक्रिया थांबवल्या होत्या। आणि हा विषय इथल्या स्थानिक आमदार यांनी विधानसभेमध्ये मांडला माननीय विधानसभेच्या अध्यक्षासमोर आणि 8 दिवसामध्ये 15 दिवसामध्ये त्याच्यामध्ये काय प्रगती झाली, 7-8 दिवसामध्ये प्रश्न मांडल्यानंतर तर पिण्यासाठी सुद्धा जे पाणी होतं ते बंद झालेलं आहे। या वैद्यकीय महाविद्यालयाला दिलेल्या रुग्णालयाचं करायचं तरी काय हा आमच्यासमोर मोठा प्रश्न झालेला आहे। इथचे लोकप्रतिनिधी, खासदार, आमदारही हतबल झाल्यासारखे का बसतात? जोपर्यंत एखाद्या मोठ्या अधिकाऱ्यावर अधिष्ठाता असेल, आता या दवाखान्यातले जे अधीक्षक आहेत डॉक्टर, त्यांना रुग्णालयात पाणी नाही आहे, उपलब्ध नाही ही बाबच माहीत नाही, अतिशय गंभीर प्रश्न आहे। जनतेच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार रुग्णालय करीत आहे, यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे। आमची तर मागणी आहे की एक उच्चस्तरीय समिती बसवून या रुग्णालयातल्या समस्याबाबत मोठी चौकशी करून एखाद्यावर निलंबनाची कारवाई झाल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही अशी आमची आग्रहाची शासनाकडे मागणी। पाण्याचा त्रास होत आहे, पियाला पाणी विकत घ्यायचं आहे, बाथरूमला बाहेर पैसे घेत आहे, तर बाथरूममध्ये पाणी नाही जायसाठी, स्वच्छतामध्ये तकलीफ आहे आम्हाला, पाणी नाही वापरायसाठी, पियासाठी विकत आणा लागाले, बाहेर जायसाठी विकत घ्यायला लागाले, इथं पाण्याची थोडीशी त्रास आहे आम्हाला, इथं पाणी पाहिजे ना आम्हाला, इथं बाथरूममध्ये आम्ही जीव घेऊ, बाथरूमसाठी 5-5 रुपये द्यायला लागतात,
प्याच्यासाठी एकदम दुपट्टा पण पाणी घेऊन यायला लागतात आम्हाला. चंद्रपूर से BCN न्यूज के लिए सुनील तायडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट.